तो आप थोड़ा गाइड करें कि कौन से जोन्स के अंदर जो है हमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली ब्यूटी या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस अच्छा मिल सकता है और गुड प्राइस मिल सकती है। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए भी है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंट्रीज के नाम लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फला फला मुल्क जो है वो अच्छी प्राइस देता है और फला फला अच्छी प्राइस नहीं देता। मेरा ये करेक्ट, ख्याल है कि मामला इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छी प्राइस, अच्छा बिजनेस आपको इथियोपिया से भी मिल सकता है और राइट बुरा बिजनेस और बुरी प्राइस आपको यूएसए से भी मिल सकती है। राइट तो ये बेसिकली डिपेंड करता है टोटली कि आपके पास क्या पैकेज है, आप मार्केट में लेके क्या जा रहे हैं और आपका टारगेट कस्टमर है कौन। वेरी वेल सो इसका मेरा ख्याल है कंट्रीज से ताल्लुक नहीं है, इसका आपकी अपनी प्रोडक्ट के साथ और आपके बिजनेस मॉडल के साथ ताल्लुक है। जहां तक बात आ गई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसकी मार्केट तो ग्लैडली पूरी दुनिया, ये एक ऐसा बिजनेस ठीक है जो दुनिया के हर कोने में जिसकी डिमांड है और दुनिया के हर कोने में लोग आपको प्राइस पे करने के लिए भी तैयार है। प्रॉब्लम शायद आती है सर्टन कंट्री के हिसाब से, एक इस तरह की प्रोडक्ट बनाने वालों को जिनकी डिमांड एक सर्टन पॉकेट्स में दुनिया में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेसबॉल बैट बनाता है तो पूरी दुनिया में चंद मुल्क है, अमेरिका है, जापान है और मेरा ख्याल है शायद एक आध होगा जहां पर है बेसबॉल खेला जाता है। इसी तरह अगर हॉकी स्टिक कोई बनाता है तो दुनिया के 20-25-30 मुल्क हैं जो जो फील्ड हॉकी खेलते हैं, तो वहां पे उसकी डिमांड होगी। इसी तरह क्रिकेट का इक्विपमेंट है तो वो भी जिन मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है उनका। बिल्कुल ठीक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसी फील्ड है जो पूरी दुनिया के हर हॉस्पिटल में इन्होंने इस्तेमाल होना है, हर डॉक्टर ने तो यूज करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन हर जगह इसकी डिमांड है, हर जगह इसका अच्छा बिजनेस भी है, हर जगह इसका बुरा बिजनेस भी है। ये राइट टोटली डिपेंड करता है कि जो बिजनेस करना चाह रहा है वो किस मार्केट को केटर कर रहा है और उसको किस तरीके से कंडक्ट कर रहा सिमिलरली ब्यूटी भी इसी तरीके से है, है, वो भी इसी तरह बल्कि ये आई थिंक सो कि ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा ज्यादा वो की फ्यूचर इसको होगा। इसमें। जैसे जैसे पूरी दुनिया में इनकम लेवल राइज हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि जो जैसे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो उनका जो ख्याल है ब्यूटी का और वेलबींग का और पर्सनल ग्रूमिंग का वो बढ़ डिमांड रहा है और वहां पर डिमांड जो है ना वो बढ़ रहा है। सर, एक्सपोर्ट कंपनीज को अपनी ज्यादा इनकम कहाँ पे स्पेंड करनी चाहिए या किस फैक्टर के ऊपर, किस चीज के ऊपर इनको इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा ख्याल है सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने एक कारोबार शुरू किया और आपका काम चल पड़ा तो आपको फौरी तौर पे बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं करना चाहिए, आपको फौरी तौर पे ब्रांड्स नहीं खरीदने चाहिए, बिल्कुल ठीक आपको फौरी तौर पे इन चीजों से इन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही अगर आप ये अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर अगला सवाल आता है कि अब आपने पैसे खर्चने कहाँ पे। बिल्कुल सही मेरा ख्याल ये है कि आपको ना बड़ा क्लियर एक कंपनी अपनी की पॉलिसी बनानी चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन योर मार्जिन्स कि कितने परसेंट आपने री इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी में। बिल्कुल ठीक और है अगर जितनी जल्दी नॉर्मली होता ये है कि, और मैंने ये बाद में सीखा, मेरा ख्याल है कि अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे 15 साल पहले पता होता तो शायद मेरी कंपनी आज डिफरेंट होती। आपको ये एक पॉलिसी अगर आप बना लें, इट डजेंट मैटर आप 4 लोगों की कंपनी है, 2 लोगों की कंपनी है, 10 लोगों सही की कंपनी है, अगर आपको ये पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जो पैसे कमाए हैं उसमें इतने परसेंट आपने री इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी में, और ये पॉलिसी अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो बिलीव मी आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ये होगी। जितनी तेजी से ये पैसा रोल होगा और ग्रो होगा, कहीं और आपके पैसे ना ग्रो होंगे ना रोल होंगे।